हेलो एवरीवन, दिस मी मनोज इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में हम ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट चैप्टर की समरी को डिस्कस करेंगे। ग्लिम्सेस का मतलब होता है झलकियां, इन द पास्ट का मतलब होता है जो बीता हुआ कल है, यानी कि जो बीता हुआ कल है उनकी कुछ झलकियां। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट 1757 टू 1849। तो 1757 से लेकर 1849 के बीच में के कुछ इवेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। In India of 1757, the East India Company was in a strong position. तो 1757 में जो East India Company थी, उनकी जो position थी, वो बहुत ज़्यादा strong थे, powerful थे. Compared to the Indian princes, they had superior weapons. अगर हम Indian जो राजा थे उस समय के, Indian princes थे, उनसे अगर हम compare करें, तुलना करें, तो East India Company के पास superior weapons थे, बहुत ही अच्छे type के वेपन्स थे, हथियार थे। बिसाइड्स, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ टाइम। और इसके अलावा जो इंडियन प्रिंसेस थे वो बहुत ज्यादा शॉर्ट साइटेड, यानी कि वो दूर का सोच के नहीं चलते थे, और जो इनकी अप्रोच थी किसी भी काम को करने की अप्रोच थी, वो दूर का सोच के नहीं चलते थे वो, तो इसलिए वो इस चीज कंपनी ज्यादा स्ट्रांग थी। इंडियन प्रिंसेस वर फाइटिंग ईच अदर, और वो आपस में ही लड़ रहे थे उस समय भी, जो बाकी, क्योंकि उस टाइम इंडिया में बहुत सारे राजा महाराजा रहा करते थे और वो आपस में खुद लड़ते थे वो। दे ऑफन सॉट द हेल्प ऑफ द कंपनी टू डिफीट अदर प्रिंसेस, और वो क्या काम करते थे, वो दूसरे राजाओं को हराने के लिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाते थे और वो बोलते थे कि आप दूसरे राजाओं को हराइए। डिफीट का मतलब होता है हराना। दिस वर्क्ड इन फेवर ऑफ द कंपनी, और क्योंकि राजा उनके पास आते थे तो ये सारा कुछ उनके फेवर में काम करने लगे। जो कंपनी थी वो जैसे चाहते थे वैसे ही होने लगे, क्योंकि राजा उनके पास आके दूसरे राजाओं को हराने के लिए उनको बुलाते थे। इट कुड इजली सब्ड्यू दीज प्रिंसेस वन आफ्टर द अदर, और जो एक राजा थे वो दूसरे राजा को हराते थे। सब्ड्यू का मतलब था किसी को धमकाना या फिर फोर्सफुली किसी को कम कर देना, हरा देना, या फिर डरान धमकाना। तो इससे आपस में वो राजा एक दूसरे को ये काम करने लगे, डराना धमकाने लगे। हाउएवर द ब्रेव टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश, परंतु जो एक टीपू सुल्तान थे उस टाइम के, बहुत ज्यादा ब्रेव थे, बहादुर थे वो, और उन्होंने वो सुल्तान, वो मैसूर के सुल्तान थे वो, और जिन्होंने ब्रिटिशर से लड़ा। ही डाइड इन द बैटल फील्ड फाइटिंग द इंग्लिश, और वो फिर वो मारे गए अंग्रेजों से लड़ते हुए। द जनरल रिएक्शन टू द ब्रिटिश रूल वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर इन इंडिया, और जो ब्रिटिश रूल था, जो ब्रिटिश उस टाइम के जो शासन कर रहे थे, उनका जो इफेक्ट, जो रिएक्शन था लोगों के प्रति, वो हर इंडिया के सब पार्ट में एक जैसा नहीं था। कहीं पे वो ज्यादा अच्छी तरह से रूल कर रहे थे, कहीं पे उनको हार का सामना करना पड़ रहा था। There were some who thanked British for ushering in an era of peace, और वहां पे कुछ लोग भी ऐसे थे उस समय जो कि ब्रिटिशर्स अंग्रेजों को धन्यवाद कह रहे थे। धन्यवाद क्यों कह रहे थे, वो बोले थे ये एक era of peace, यानी कि शांति का एक नया काल है ये। Others bemoaned that the country was subjected to foreign rules. जबकि कुछ ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि भारत में जो foreign rule आ चुका है, बाहर वाले लोगों का कब्जा हो चुका है, तो उस समय भी दोनों तरफ से लोग प्रशंसा भी कर रहे थे और बहुत सारे लोग उसकी criticism कर रहे थे। 1765 to 1836, the social fabric was in bad shape. The social fabric, तो उस समय का जो समाज था, बहुत ही बेकार शेप में था। Religious leaders preached absurd practices like untouchability and child marriage. और उस समय के जो religious गुरु थे, जो धार्मिक गुरु थे, वो बहुत ही बेकार practices, absurd का मतलब बहुत ही बेकार practices लोग को बोलते थे करने के लिए, जैसे कि untouchability, छुआछूत को बहुत ज्यादा मानते थे, और चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को बहुत ज्यादा ही माना जाता था उस समय। इन ट्रूथ इंडियंस हैड लॉस्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, और असलियत में जो सच्चाई में क्या था,
जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, उन्होंने अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जो स्वयं आत्मसम्मान था, वो खो दिया था। द ब्रिटिश स्कॉर्न देम, और जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही ज्यादा स्कॉर्न करते थे उनको, उनको कुछ भी नहीं समझते थे वो, उनसे जलते थे वो, घृणा करते थे। द फार्मर्स एंड द आर्टिसंस वर द वर्स्ट हिट, और उस समय जो किसान थे, जो आर्टिसंस थे, जो कपड़े बुनते थे या फिर और भी जो कलाकारी जो काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा बेकार स्थिति हो गई थी उन सभी लोगों की उस समय। हैवी टैक्सेस रुइन्ड द फार्मर्स, और उस समय बहुत ही ज्यादा टैक्स, हैवी टैक्स दिया जाता था, जो कर था बहुत ज्यादा दिया जाता था, तो फार्मर्स की जो जिंदगी थी वो बुरी तरह से रुइंड हो गई थी, बर्बाद हो चुकी थी। द ब्रिटिश कट द थम्स ऑफ एक्सपर्ट आर्टिसंस, और जो आर्टिसंस थे जो बहुत अच्छा काम करते थे, अच्छा चीज बनाते थे, जैसे कि कालीन हो गया, चटाई हो गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज, या फिर पेंटिंग हो गई, तो ब्रिटिशर्स उनके जो अंगूठे थे उनको काट देते थे ताकि वो और अच्छा काम ना कर सके। जाहिर सी बात, अगर आप थम, अगर हम किसी का काट देंगे तो काम नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से वो। द ब्रिटिश यूज एवरी मेथड टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट, और ब्रिटिशर्स ने सारे मेथड, सारे तरीके अपनाए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पाने के लिए। द इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड बिकेम टैक्स फ्री, कोई भी सामान इम्पोर्ट का मतलब होता है आप बाहर की कोई भी सामान को अपने देश के अंदर लाने को हम इम्पोर्ट बोलते हैं। तो इंग्लैंड से जो भी माल आ रहा था, सामान आ रहा था, उनको उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया था, यानी कि उन पे कोई भी कर नहीं लगेगा। राजा राम मोहन रॉय, जो कि 1772 से लेकर 1833 के बीच में इनका पूरा पीरियड था, राम मोहन रॉय अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राम मोहन रॉय को समझ आया कि जो ये देश है हमारा भारत, उस समय क्या इसके साथ क्या बेकार हो रहा था। ही ट्राई टू रिफॉर्म द सोसाइटी, और उन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की। रिफॉर्म का मतलब होता है कि बदलाव करने की कोशिश की। ही टॉट पीपल दैट द मेन परसेप्ट्स ऑफ ऑल रिलीजन वर द सेम, उन्होंने लोगों को ये समझाया, पढ़ाया कि जितने भी धर्म हैं लोगों के, उन सबका एक ही मेन मकसद है, सबका मेन, सबका सेम ही मकसद है। ही एम्फेसाइज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ नॉलेज, उन्होंने ज्यादा किस चीज पे जोर डाला, उन्होंने एम्फेसाइज करना होता है जोर डालना। प्रैक्टिकल यूज ऑफ नॉलेज, जो भी नॉलेज है हमारी उसको प्रैक्टिकल में हम यूज करें, उनको हम दैनिक डेली लाइफ में हम यूज करें। ही वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गए, देयर ही रिमाइंडेड द ब्रिटिश दैट रूलर्स टू हैड अ ड्यूटी टूवर्ड्स देयर सब्जेक्ट्स। उन्होंने वहां पे जाके ब्रिटिशर्स को ये बोला कि जो भी किसी भी कंट्री पर रूल करते हैं, शासन करते हैं, उनकी भी एक ड्यूटी बनती है, उनका भी धर्म बनता है कि जो जिन पे वो शासन करें उनके प्रति वो कुछ काम करें। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, उन्होंने इंडिया में न्यूज़पेपर शुरू किया। द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823, फिर ब्रिटिश वालों को भनक लगी इस चीज की, और उन्होंने 1823 में अखबारों को बंद करवा दिया। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है कि आप किसी को बलपूर्वक, फोर्सफुली किसी को दबाओ, दबाना या धमकाने को हम ऑपरेशन बोलते हैं। 1765 टू 1835, इन 1818, 1818 में अ रेजोल्यूशन वाज पास्ड, एक रेजोल्यूशन को पास करवाया गया, एक कानून को पास किया करवाया गया। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, और ये रेजोल्यूशन में ये था कि किसी भी भारतीय को हम जेल करवा सकते हैं विदाउट विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, यानी कि उसके ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं उसके बिना भी हम क्या करेंगे, किसी भी इंडियन को जेल में डलवा देंगे। द ब्रिटिश ऑफिसर्स ड्रू लार्ज सैलरीज, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको बहुत ज्यादा सैलरी मिलती थी, काम करने का पैसा मिलता था। बिसाइड्स दे मेड फॉर्चून्स इन बिजनेस, उसके अलावा उन्होंने बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसे कमाए। बाय 1829, 1829 तक ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया, और जो ब्रिटेन था वो इंडिया से 7 करोड़ रुपए उस समय में 1829 में 7 करोड़ रुपए के जो सामान थे वो एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन। इवन द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिक रिपोर्टेड टू इंग्लैंड, और जो ब्रिटिश गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिक था, वो इंग्लैंड को इस चीज के लिए रिपोर्ट करता था।
द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर बेल्चिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। और उसने इंग्लैंड को ये बताया कि जो कॉटन वीवर्स है, कॉटन का मतलब कपास, जो रुई की खेती करते हैं, जो रुई की रुई को वीवर्स होते हैं, जो जुलाहे जो कपड़ों को सिलते हैं, कपड़े को सॉरी बुनते हैं, तो उसने बोला कि जो बोन्स हैं कॉटन वीवर्स के, जो किसान हैं, जो जुलाहे हैं, उनकी जो हड्डियां हैं, वो जो प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया की जो धरती है, उसको ब्लीच कर रहे हैं। ब्लीचिंग एक मेथड होता है जिसके द्वारा कपड़ों को साफ किया जाता है, ब्लीचिंग। दस द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द रुइंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो बेंटिक ने इंग्लैंड में ये बोला कि भारत में जो, भारत की जो सरजमी है, वहां पे जो कॉटन के जो जुलाहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, उनकी हड्डियां क्या कर रही है, ब्लीचिंग कर रही है। ब्लीच, ब्लीचिंग का मतलब होता है कि कपड़े पे अगर आप ब्लीच करते तो कपड़ा पूरा साफ हो जाता है। उसी तरह से यानी कि इंडिया में कॉटन जो रुई है वो बहुत ज्यादा पैमाने पे क्या किया जा रहा है, उनकी खेती की जा रही है। तो इसी तरह जो ब्रिटिशर्स हैं वो प्रॉस्पर होंगे, उनकी उन्नति समृद्धि बढ़ेगी। ऑन द रूइंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, रूइंस का मतलब होता है खंडर। इंडियन इंडस्ट्री जो है उनके खंडर के ऊपर ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, समृद्धि हासिल करेंगे, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे जो सामान था वो इंग्लैंड में जा रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वर्थ 7 करोड़ रुपीज एवरी ईयर। नाउ लेट्स डिस्कस डिसटिस्फैक्शन। जब कोई असंतुष्ट कौन बोलते हैं डिसटिस्फैक्शन बिटवीन 1835 एंड 56। इन 1835 लॉर्ड मैकॉले सजेस्टेड दैट द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया शुड बी इंग्लिश। फिर 1835 में लॉर्ड मैकॉले इंडिया में आया और उसने ये बोला कि इंडिया में जो एजुकेशन है उसको, उसका जो मीडियम ना इंग्लिश होना चाहिए। द प्रपोजल वॉज कैरिड, और उस प्रपोजल को मान लिया गया। द एम वॉज टू प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ क्लर्क्स टू असिस्ट द ब्रिटिश। और इसका एक मेन मकसद ये था कि जो क्लर्क हैं, बहुत सारे क्लर्क्स को तैयार किया जाए जो कि ब्रिटिशर्स को मदद करेंगे। इट हैपेंड बट इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो जिस कारण से वो इंग्लिश को लेके आए इंडिया में, वो तो हुआ, बहुत सारे क्लर्क बने, बहुत सारे लोग बने, पर उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग, ऐसी भी पीढ़ियां उत्पन्न हुई जो कि इंटेलेक्चुअल्स निकले। इंटेलेक्चुअल्स का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज में क्यों पूछना कि ये क्यों होता है, सोच समझ के क्वेश्चन पूछना और उसके आंसर निकाल के लेके आना। सम ऑफ देम ट्राई टू एजुकेट द मासेस, और उनमें से कुछ लोगों ने बहुत सारे लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। सम डिसाइडेड टू कन्वे द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और उनमें से कुछ क्लर्क्स ने ये कोशिश किया कि जो भी लोग हैं उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम क्या करेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कन्वे करेंगे, लेके जाएंगे। बाय 1856 द ब्रिटिश वर रूलिंग द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक जो ब्रिटिश थे वो पूरे इंडिया को रूल कर रहे थे। नाउ दे केयर लिटिल अबाउट इंडियंस नीड। अब जो भी इंडियंस की जो नीड थी, भारतीय लोग की जो नीड थी, उनके बारे में उन्होंने बिल्कुल भी केयर करना अच्छा नहीं समझा। द डिससैटिस्फैक्शन इन द पब्लिक बिगैन टू ग्रो, और फिर लोगों के अंदर असंतुष्टि बढ़ती गई। पीपल वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश, और जो लोग थे वो ब्रिटिशर से छुटकारा पाना चाहते थे। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। द स्पार्क्स, स्पार्क्स का मतलब चिंगारे। 1855 टू 1857 अंडर द न्यू रूल्स संथल्स हैड बिकम डेस्परेट। जो नए जो रूल हुआ इनका, जो इनका जो क्योंकि राज कर रही है, जो संथल्स थे उस समय के वो डेस्परेट हो गए। डेस्परेट का होता है कि आप असंतुष्ट हो गए हो, कुछ काम आप करना चाह रहे हो पर आप कर नहीं पा रहे हो। इन 55, इन 1855 दे रोज इन रेबिलियन। तो जो संथल्स थे उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया एंड किल द यूरोपियंस एंड देयर सर्वेंट्स अलाइक। उन्होंने यूरोपियंस को मारना शुरू कर दिया। यूरोपियन का मतलब जो लोग यूरोप से होते हैं, और उनके नौकरों को भी मारना शुरू कर दिया। द डिस्कॉन्टेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, और जो ये असंतुष्टि थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग आर्मी के पोजीशन पे काम कर रहे थे उनके अंदर भी शुरू हो गया। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफिस रेजिमेंट। जो सिपाही मंगल, सिपाही का यहाँ पे मतलब सिपाही, मंगल पांडे जो का नाम आपने सुना होगा पहले भी,
उन्होंने क्या किया, मंगल पांडे ने जो रेजिमेंट थी, जो टुकड़ी थी वहां की, सैन्य का जो टुकड़ी थी, उनके एजिटेंट को मार दिया, अटैक किया उनके ऊपर। अब एजिटेंट कौन होते हैं, जो हाई पोजीशन पर जो सोल्जर होते हैं उनके असिस्टेंट को एजिटेंट बोलते हैं, एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड और मंगल पांडे को मार दिया गया। द इंग्लिश डिड नॉट केयर अबाउट इंडियन कस्टम्स, और इंग्लिश जो लोग थे उस टाइम के, उन्होंने इंडियन कस्टम्स को, रीति रिवाजों को मानना, उनको कैरी नहीं करते थे वो लोग। चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, फिर चपाती भेजना शुरू किया एक गांव से दूसरे गांव में। विद देम वाज अ मैसेज दैट देयर नेटिव एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, और उस पे एक मैसेज लिखा गया कि उनके जो एम्परर हैं, जो उनके शासक हैं, उनको उनकी सर्विस की जरूरत है। सिमिलरली अ लोटस फ्लावर वाज सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, द मासेस आल्सो गिव ऑल हेल्प एंड सपोर्ट, फिर लोगों ने हेल्प और सपोर्ट करना शुरू किया। तो यहाँ पे शुरुआत में अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो चपाती एक गांव से दूसरे गांव भेजी जा रही थी, और उसके ऊपर मैसेज भी लिखा हुआ था कि हमें आप सबकी जरूरत है, आपकी सर्विस की हमें जरूरत है, सेवा की जरूरत है। नाउ लेट्स लुक एट द रिवोल्ट 1857। रिवोल्ट का होता है विद्रोह करना। द रिवोल्ट स्टार्टेड एट मेरठ, मेरठ में ये विद्रोह शुरू हुआ। द सिपाइज हु हैड रिवोल्टेड मार्च टू दिल्ली, और जो सिपाही जिन्होंने विद्रोह किया था वो दिल्ली में उन्होंने दिल्ली तक मार्च किया। दे वर शाउटिंग स्लोगन्स इन फेवर ऑफ बहादुर शाह जफर, और वो सभी सिपाही बहादुर शाह जफर थे, उनके फेवर में स्लोगन को बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे। द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर, और जो विद्रोह था वो और बढ़ता गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, और जो बहुत सारे जो जमींदार थे उन्होंने अपने जमीन को खो दिया था। दे हेल्प रिवॉल्ट, और फिर उन्होंने भी विद्रोह में साथ दिया। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, और जो 1857 की जो फाइट थी, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। मेनी रूलर्स लाइक हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, बहुत सारे रूलर्स थे, शासक थे, जैसे कि हजरत महल थे जो कि लखनऊ से थे, वर बिटर। बिटर का मतलब कि वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। द इंग्लिश हैड टेकन अवे देयर किंगडम, और जो इंग्लिश लोग, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने उनके राज्य को छीन लिया था। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद, और जो मौलवी अहमदुल्ला थे फैजाबाद के, उन्होंने कॉमन लोगों से बोला, आम आदमियों से बोला कि आप भी विद्रोह कीजिए। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे टू मेक नाना साहेब द लीडर ऑफ दैट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और फिर अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से बोला कि जो नाना साहेब हैं आप उनको लीडर बनाइए, जो ये युद्ध है, जो इंडिपेंडेंस का जो युद्ध है, इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता का जो युद्ध है, उसके लिए आप नाना साहेब को लीडर बनाइए। ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया द पीपल फॉट पिस्ट बैटल्स, और नॉर्थ इंडिया में जो भी सारे लोग थे उन्होंने लड़ाई लड़ी अगेंस्ट द ब्रिटिश। 80 ईयर्स ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, और जो 80 साल के कुंवर सिंह थे बिहार से, उनके हथेली पे उनके बुलेट लगी। ही जस्ट कट इट ऑफ, फिर उन्होंने क्या किया, अपनी हथेली को इन्होंने काट दिया। थ्रोइंग इट ऑन टू द गंगा, उन्होंने गंगा रिवर में, गंगा नदी फेंक दिया। ही सेड दैट इट वॉज हिज लास्ट ऑफरिंग, और उन्होंने ये कह के बोला कि वो गंगा रिवर में ये लास्ट उनकी क्या है, ऑफरिंग है। ऑफर का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, हम उसको बोलते हैं ऑफरिंग। सो दिस इज द ऑल समरी ऑफ दिस लेसन, आई होप यू अंडरस्टूड समथिंग। Thank you so much for attending today's session. See you in the next lesson, everyone. Thank you for attending this session. Do share and subscribe to this channel for more lessons like this. Check out other video lessons by clicking on the video.